नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जेजेएन न्यूज और मैं पल्लवी हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। हल्द्वानी के गोलापार की जमीन के खरीद फरोख्त पर अब रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, गुरुवार को कैबिनेट ने ये निर्णय ले लिया है क्योंकि गोलापार में हाई कोर्ट की स्थापना होनी है, जिसके चलते उनकी ओर से प्रस्तावित स्थल के आसपास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है। इसके संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बताया कि हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र की 26.08 हेक्टेयर भूमि को हाईकोर्ट की स्थापना के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके चलते हाईकोर्ट की स्थापना से क्षेत्र अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। बता दें, जहां सरकार इस क्षेत्र में विकास को नियोजित रूप से रखना चाहती है, वहीं यहां विकास के लिए मास्टर प्लान की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ मुख्य सचिव ने बताया कि पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला की और ग्राम कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा के साथ पश्चिम में गौला नदी के तट तक और उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे के साथ साथ दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक आने वाले क्षेत्र के आसपास अनियमित और अवैध निर्माण को रोकने के लिए कैबिनेट ने जमीन की खरीद फरोख्त निर्माण कार्यों को फ्रीज करने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसको कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।